वेलकम बैक। आज हम फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं बथुआ का साग। बथुआ आप सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद होता है। इसके फायदे मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ। पहले बथुआ की जो भी मैंने रेसिपीज बनाई है ना, ऑलरेडी मैंने बथुआ काट के रखा हुआ था, तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये देखो, ये मार्केट में जब मिलता है ना तो इस तरह की गुच्छी में मिलता है, इस तरह से ये बंधा होता है। तो इसको हमने किस तरह से साफ करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको काटकर इसकी जो रस्सी होती है ना, ये जब इस तरह से बंधा होता है ना रस्सी से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्लास्टिक से नहीं ये लोग बांधते हैं ना, तो ऑर्गेनिक चीज लगती है। तो इस तरह से ये जैसे होता है, अब इसको हमने ना क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए आप इसको इस तरह से ले लो। देखो स्लैब तो थोड़ी सी होती है गंदी, थोड़ी मिट्टी भी होती है, लेकिन ये बथुआ इतना ज्यादा फायदेमंद है कि इसको खाना जरूर चाहिए। और बथुआ का साग बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। इसका ना एंड वाला पार्ट है ना, जो इस तरह से काट दो, एंड वाला पार्ट तो अलग कर दो बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये एंड वाला पार्ट मैंने पूरे उसका काट लिया, ये साइड पे मैंने जो निकला था वो कर दिया। अब ये देखो मिट्टी है यहाँ पे काफी ज्यादा ना, तो इसको भी मैंने अब इस साइड पे रख लिया और यहाँ पे मैं इसको कर लूंगी क्लीन। हम देख लेंगे कि इसके बीच में जो वाले पत्ते हैं, जैसे कोई सड़ा हुआ पत्ता है, कोई गला हुआ पत्ता है, वो निकाल लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद इसको हम कर लेंगे वॉश। और जो इसकी बहुत सारी मोटी मोटी डंडियां हैं ना, ये भी निकालनी है, ठीक है। पतले वाले तो चलो कट जाएंगे, लेकिन ये मोटी डंडियां जो होती हैं इनको हम निकाल देंगे, इनको नहीं हम सब्जी में डालेंगे, ठीक है। ये देखो गाइस, ये देखो मैंने सारा जो है ना इसको क्लीन कर दिया। जो इसके मोटे मोटे थे वो, जो स्टेम्स थी वो भी अलग कर दी और इस तरह से हो गया। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो ये ध्यान रखना है इसको 5 बारी 6 बारी 7 बारी जितनी बारी भी वॉश करना पड़े करें, लेकिन जब तक इसकी मिट्टी फिनिश नहीं हो जाती उसके बाद भी 1-2 बारी करके एंश्योर कर लेना कि इसमें मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। फ्रेंड्स ये देखो मैंने काफी बारी इसको वॉश करा और अब देखो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। तो कैसे करती हूँ मैं वॉश, जैसे कि सिंक में रख लेती हूँ इसको पतीले को और फिर जैसे पानी डालती जाती हूँ और साथ में फिर पानी डाल के इसमें ये वाली छलनी है ना इसके अंदर इस तरह से निकालती जाती हूँ, इस तरह से करके और फिर इस तरह से मैं निकालती जाती हूँ इसके अंदर। अब ये फाइनल है, अब ये बिल्कुल क्लीन है। इसको मैंने बहुत कम से कम 8-9 बारी इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलो इसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो ये देखो धुला हुआ है, ये मैंने ना एक पतीले, उस पतीले के ऊपर ही रख दिया जिसमें मैंने धोया था, और ये छलनी है, इसका पानी भी नीचे जाता रहेगा और साथ साथ मैं इसको काटती भी रहूंगी। तो इसको ले लिया, थोड़ा सा पकड़ लिया। परांठे के लिए तो फ्रेंड्स जैसे थोड़ा बहुत बारीक बारीक काटा था ना, इसको बहुत ज्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं है, इतना इतना जो है ना ठीक रहेगा। तो आप इसको चॉपिंग बोर्ड पे करो या हाथ से पकड़ के काट दो, दोनों ही ठीक है। तो इस तरह से मोटा मोटा काटना है, इसको बहुत ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर स्टेम लग रही है थोड़ी मोटी तो उसको थोड़ा सा बारीक कर दो ताकि पकने में ना एक सार हो जाए। तो इसको करके प्लेट में रखती जाती हूँ मैं और नेक्स्ट लॉट ले लेती हूँ। तो बथुआ को काटते काटते मैं आपको बता भी दूं कि बथुआ का साग हमें क्यों खाना चाहिए, या बथुआ का रायता, मतलब बथुआ हमें अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए। वैसे पहली वाली वीडियोज में भी बताया, फिर से दोबारा से बता देती हूँ। बथुआ है बहुत ही एक अच्छा सोर्स विटामिन ए, बी और सी का, इसको पावर हाउस कहते हैं विटामिन ए, बी और सी का। और साथ में ना ये बहुत ज़्यादा रिच होता है एसेंशियल मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में, और ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स है आयरन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, फास्फोरस का, और इसमें काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स भी होते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स आई होप आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी जो जैसे सेल से बनी हुई है, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है ना, तो सेल्स को, सेल्स की फॉर्मेशन में और सेल्स की रिपेयर में, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी रिपेयर में और फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें सोडियम भी होता है, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, इसमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है, और फाइबर में तो ये रिच होता है। आपको पता है फाइबर में जो भी चीज रिच होगी वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितनी अच्छी होगी, तो हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है अगर आ जाती है उसको दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये अच्छा है। और ये एक ऐसी सब्जी है फ्रेंड्स जो टेस्टी तो है ही है और साथ में ये गुणकारी भी है, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, तो इसीलिए सर्दियों में भी हम खा सकते हैं अच्छे से और गर्मियों में भी
इसको खाएंगे तो फायदा रहता है। किस तरह से इसको स्टोर करना है क्यूब्स में, ऑलरेडी वीडियो है एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगी वो वाली वीडियो कि किस तरह से मैं इसको स्टोर करती हूँ क्यूब्स में। ये फ्रेंड्स अच्छे से मैंने पाथू को काट लिया, जैसे रफली मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा बड़ी काटने की जरूरत नहीं है। और मुझे क्या क्या चाहिए उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और साथ में लिया थोड़ा सा लहसुन, उसको भी मैंने कस लिया। एक मैंने प्याज लिया, उसको मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काटा है। एक ही टमाटर लिया मैंने, उसको इस तरह के पीसेस में काट लिया मैंने। और सबसे पहले डालने के लिए लिया मैंने हींग बहुत ही जरा सी, और जीरा लिया मैंने हाफ स्पून होगा ये, और साथ में स्वाद के अनुसार नमक मिर्ची और हल्दी ले ली थोड़ी सी। और एंड में हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी इसमें, जिससे कि इसका जो स्वाद है ना और भी एनहेंस हो जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है देसी घी से। अब मैं बनाने लगी हूँ तड़का। जब तक इसका तड़का रेडी होगा तब तक मैंने ये कॉर्न्स ले लिए हैं फ्रेंड्स, थोड़े से कॉर्न्स ले लिए हैं, इनको मैंने पानी में डाल दिया, इनको मैं तब तक बॉईल कर लूंगी। ये ऑप्शनल है, आपने कॉर्न्स जो है वो डालने हैं इसके अंदर या नहीं डालने। अगर आपके पास नहीं है कॉर्न्स तो सिर्फ बथुआ का साग ऐसे भी बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ इसको कॉर्न्स के साथ, तो बिना कॉर्न्स के भी आप बना सकते हो, मैं दोनों ऑप्शंस आपको बता रही हूँ। तो इतने में मैं बनाती हूँ तड़का। गैस को ऑन कर लिया, इसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा, ये देखो बहुत ही कम मैंने ऑयल डाला। ऑयल मैं ज्यादातर सब्जियों में ना, आपने देखा भी होगा मेरे को कि मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ घी, क्योंकि जितना हम कम ऑयल यूज करेंगे ज्यादा अच्छा तो होता नहीं है ये खाना, है ना। तो जितना हमें चाहिए सरसों का तेल डालो या जो भी आपको, ये सरसों के तेल में भी बन जाएगी, बट अभी आप, मैंने इसमें ऑयल डाला है तो अभी गर्म हो जाएगा घी, तो उसके बाद हम ये सब चीजें एक एक करके डालेंगे। फ्रेंड्स ऑयल हो गया गर्म अच्छे से, और सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी ये हींग। आपने और भी कोई अगर मसाले वगैरह डालने हैं तो डाल दो हींग। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। ये दोनों चीजें हो गई, तड़क गई, और अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन। लहसुन को बस एक दो बारी घुमाकर इस पेस्ट को, फिर मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये वाला साग, बस मेन जो है ना काम वो होता है इसके धोने का। अगर धुल गया फिर तो कोई चक्कर नहीं, फिर में टाइम लगता बनने में। तो ये हो गया, ये देखो प्याज और लहसुन और अदरक भी ये हल्के हल्के भुन गए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। इसको भी तेज गैस पे ही थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे ये। फ्रेंड्स देखो ये प्याज जो है वो भुन गया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये सारे मसाले। मैं मसाले पहले डालती हूँ, मैं टमाटर के बाद ही डालती, इससे पहले डालने से ना कलर बहुत अच्छा बनता है सब्जी का। तो इसको अच्छे से, गैस धीरे ही है, गैस को अब तेज नहीं रखना, अगर तेज रखेंगे ना तो ये प्याज भी सड़ जाएंगे और सारे जो हमने मसाला डाला है नमक मिर्च हल्दी ये भी सड़ जाएगा, तो फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर जब तक सॉफ्ट होते हैं, ये देखो यहाँ पर ये कॉर्न्स जो है ये देखो बॉयल हो गए हैं, तो बॉयल हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं, इसको मैं छान लूंगी। कॉर्न्स को पहले बॉयल करने से पहले ही मैंने एक दो बारी ना सिंपल पानी से वॉश कर लिया था, तो ये जो है ना अब रेडी है मेरे डलने के लिए। तो यहाँ रख देती हूँ जब तक मेरा ये जो टमाटर है ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाते। ये गैस को मैंने धीरे ही रखा है, और अभी मैंने इसको थोड़ा सा ढक दिया ताकि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाए। एक मिनट मैंने ढक के रखा था तो टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं, और बाकी जो है सब्जी बनाते बनाते भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये बाथू, सारा डाल देते हैं। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाथू का ऑलरेडी पानी होता है खुद का, वो भी छोड़ेगा पानी, और हमने जो धोया है इसको वो वाला पानी भी थोड़ा बहुत तो इसमें है ही है, तो वो इसको छोड़ेगा पानी को थोड़ा बहुत। तो ये और साथ में कॉर्न्स डाल देती हूँ, और दोबारा से बोल रही हूँ कॉर्न्स ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अगर आपके पास नहीं है कॉर्न्स, या आप कॉर्न्स के बिना ही बथुए का साग बनाना चाहते हो तो आप बिना कॉर्न्स के बिल्कुल बना सकते हो। मैं भी बहुत बारी बना लेती हूँ ये, बट आज मैं कॉर्न्स के साथ बना रही हूँ तो आपके साथ मैं यही शेयर कर रही हूँ। इससे ना इसकी एक तो अपीयरेंस बहुत अच्छी लगती है कॉर्न्स के साथ, और दूसरा खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है।
आप बनाकर देख लेना, आपको जैसे ठीक लगता है, नहीं तो सिंपल बथुआ भी बना सकते हो आप। तो ये इस तरह से करके गैस को मैंने अब तेज कर दिया। गैस को तेज करके इसको मैं 1 मिनट के लिए फिर से इसको मैं रख देती हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद फिर हम देखते हैं कि कितना पानी इसका निकला, उसके अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे। ये 1 मिनट के बाद मैंने इसको खोल कर देखा, अच्छे से बन रही है ये, पर इसमें पानी जो है ना, है पानी बट बहुत ज्यादा पानी नहीं है। देखो पानी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं इसको अब क्या कर रही हूँ, इसको मैं ढक रही हूँ दोबारा से, लेकिन गैस जो है वो मैं कर रही हूँ धीरे धीरे करके। 5 मिनट के लिए इसको रखूंगी ऐसे और फिर उसको खोलूंगी, तो तब तक ये बन चुका होगा। इसको मैंने धीरे गैस पर रखा था 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने तेज गैस कर दी, आधे मिनट के लिए करी मैंने। अब आधा मिनट हो गया, मैं इसको उतार रही हूँ और ये देखो बनके रेडी हो गया बथुआ का साग। बथुआ का साग आप बोलते हो उसको, बथुआ बोलते हो या बथुआ बोलते हो मुझे जरूर जरूर बताना। ये देखो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, मतलब एक ऐसी चीज है ये जो टेस्टी भी है, गुणकारी भी है, पौष्टिक भी है, सब कुछ है इसमें। तो ये हमारा बन गया। इसको मैं अब कर रही हूँ गैस को बंद और इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में जिसमें मैंने सर्व करनी है। ये देखो अच्छे से बन गया है ना, और पानी जो है बिल्कुल सूख गया है। और बहुत ही आपको आई होप देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितना टेस्टी लगता है। तो आज मैंने ये बथुआ कॉर्न की सब्जी बना ली, बथुआ कॉर्न साग इसको आप बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो बथुआ साग। तो चलो ये हो गया हमारा, बन गया। और इसमें मैं आप डाल रही हूँ ये 1/2 स्पून देसी घी, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको एंड में डालूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाता है। वैसे ऑप्शनल है ये, अगर आपको नहीं पसंद या फिर आप बिल्कुल ही कम घी की सब्जी खाना चाहते हो, देखो उसको डालते ही ना इसकी कलर भी चेंज हुआ, मतलब कि इसका थोड़ी सी कलर नहीं, मतलब इसकी जो रूप रंगत है ये और भी ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। क्योंकि पहले मैंने बहुत ही कम घी डाला है, ऑयल जो है मैं बहुत कम ऑयल जो है ना डालने में बिलीव करती हूँ। तो ये बन गया हमारा बथुआ का साग, जो कि है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही ज्यादा अच्छा, और जिसमें कि काफी सारे मिनरल्स, विटामिन्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स वगैरह सब होते हैं इसमें। फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी जो बथुआ साग है आपको पसंद आई होगी। आप भी इसको जरूर बनाना और कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर लिखकर बताना कि आप ऑलरेडी ये वाली बनाते हो रेसिपी या फिर बनाने की अभी आपकी प्लानिंग है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं डालती रहती हूँ जिसमें हम सब मिलकर एक हेल्दी लाइफ जिए, योग करें, गार्डनिंग करें और ऐसा खाना बनाएं जो कि टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान जरूर रखना, योग जरूर करते रहना, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि ऐसी चीज है योग जो करेगा दूर आपके सभी रोग। बाय फ्रेंड्स।